कई मामले का खुलासा करते हुए अलग अलग मामलों में फरार चल रहे चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने कुल 5 वारदातों का पर्दाफाश किया है। सरदारपुर क्षेत्र में हुई 2 लूट, 1 चोरी और 1 मारपीट के साथ एक आगजनी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए आए सरवाहां सहित लाखों का सामान जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों ने 5 वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है, जिसमें आगजनी की घटना भी शामिल है। अभी सरदारपुर पुलिस थाना अभी इस क्षेत्र में जो हाईवे पर विशेष जो हाईवे रोड है हमारा, इस पर काफ़ी वारदातें होती थी और वारदात का तरीका भी इस तरह के आदमी लिफ्ट मांगने के तरीके से रोकता और रोकने के बाद संबंधितों के साथ मारपीट कर और उनकी जो भी मसरूका होता सामान होता उसको लूट लिया जाता था। अगर अपोच हुआ तो सामने वालों को काफ़ी चोट भी पहुंचाई जाती थी। इस तरह की घटनाएं इस रोड पर जो हो रही थी पिछले समय में यहाँ पर सरदारपुर क्षेत्र में इस तरह की जो वारदात थी, जिसमें 2 लूट की, 1 चोरी की, 1 मारपीट की और 1 आगजनी की, ऐसी कुल 5 घटनाएँ हुई थी। उन घटनाओं के संबंध में पतारसी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। क्राइम ब्रांच को और पुलिस थाना और SDP साहब को सूचना संकलन में लगाया था तो एक सूचना मिली मुखबिर के द्वारा कि अहमद करके एक गाँव है, वहाँ के कुछ संदेही है जो इन वारदाताओं में शामिल है। तो उनमें से जब आरोपी को हमने वहाँ से एक आरोपी को उठाया तो उसने उससे पूछताछ की तो उसने सिलसिलेवार 5 वारदातों का खुलासा किया और जब खुलासा किया और अपने साथी का भी नाम बताया। बाकी 3 उसके 4 साथियों को, जब 3 साथियों को भी उठाया तो उन्होंने भी स्वीकार किया और जो वारदात हुई थी उसमें लूट में जो मसरूका गया था वो कुछ हम बरामद करने सफल हुए। इसमें सर इनामी घटनाएं भी है कुछ? हाँ, इसमें एक मामला ऐसा है जिसमें इनाम भी घोषित है, लूट का एक प्रकरण इस तरफ है जिसमें इनाम घोषित। इसमें पुलिस महकमे की ओर से किसकी मुख्य भूमिका रही सर? पुलिस महकमे में हमारे स्थानीय थाना प्रभारी और क्राइम ब्रांच की बहुत अहम रोल रहा है। इसमें दोनों में आपसी समन्वय बहुत अच्छा रहा और मुखबिर की सूचना पर तत्काल एक्शन लेकर उन्होंने आरोपियों को गिरफ्त में लेने में सफलता पाई, अन्यथा थोड़ी सी भी सूचना लीक होती तो आरोपी भाग सकते।